अब ये बन गया है इंडियन दाल तड़का, वो भी ढाबा स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुमानास टेस्टी वर्ल्ड। टुडे आई एम गोइंग टू मेक इंडियन दाल तड़का इन ढाबा स्टाइल। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड जंप इनटू द इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम हरा मूंग, जिसे ग्रीन ग्राम्स बोलते हैं इंग्लिश में और सबुज मूंग बोलते हैं बंगाली में, जो कि ओवरनाइट सोक्ड है। एक चम्मच साबुत जीरा। आपको यहाँ दो बड़े प्याज लेने हैं, एक फाइनली स्लाइस्ड रहेगी और दूसरी फाइनली चॉप्ड। आधा कप रिफाइंड ऑयल। जैसे कि मैंने कहा है कि ये स्पाइसी बनेगी, तो आपको चिकन का सालन लेना है। एक चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा टोमेटो चॉप्ड किया हुआ, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच टर्मरिक का पाउडर और दो चम्मच धनिया, जीरा और गोल मरीच का पाउडर, एक अंडा, नमक स्वाद अनुसार और तीन ग्रीन चिली स्लाइस्ड। ये मैंने अभी कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें हम डालेंगे आधा तेल और आधा रख देंगे बाद में तड़का देने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे फाइनली स्लाइस प्याज, ब्राउन होने तक इसको हिलाना है अच्छी तरह से ताकि जले नहीं। अभी ये ब्राउन हो चुका है और हम अभी इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, स्पाइसेस, नमक, ये आपको स्वाद अनुसार लेना है। थोड़ा सा पानी, यू हैव टू एड वाटर स्लोली स्लोली। नाउ दिस ग्रेवी इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू एड दिस बॉइल्ड ग्राम। मैंने इस दाल को बॉइल कर लिया था एक चम्मच हल्दी और आधा कप पानी के साथ। अभी आपको फ्लेम हाई कर देना है एंड यू हैव टू स्टर ताकि जले नहीं। और मैंने ये कढ़ाई यूज की है इसलिए क्योंकि तड़का कढ़ाई में सबसे अच्छा बनता है। नाउ यू हैव टू ऐड अ लिटिल मोर वाटर। अभी इसका आपको चम्मच चलाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये थोड़ा सा स्टर करने के बाद यू हैव टू लीव इट फॉर 5 मिनट्स टू बॉइल एंड देन ये दाल रेडी हो जाएगा। अभी ये दाल रेडी हो गया है, अभी हम इसका तड़का रेडी करेंगे। इसे रख देते हैं, कढ़ाई साफ कर ली है और इसमें आधा बचा हुआ तेल भी डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करते हैं, फिर इसमें डालते हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, जिसे अच्छे से आपको 5 मिनट तक भूनना है। यू हैव टू स्टर इट अंटिल इट बिकम सॉफ्ट एंड नाउ दिस इज सॉफ्ट एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस करी। एंड वन थिंग, इफ यू डोंट हैव दिस करी तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यू कैन मेक तड़का विदाउट इट ऑल्सो। अभी चिकन करी दाल में अच्छे से भूनना है और अच्छे से चम्मच हिलानी है क्योंकि ये जल ना जाए। देखिए इसमें से तेल आना स्टार्ट हो गया है। अरे आज थोड़ा सा धीमे करके इसमें हम अंडा डालेंगे, डायरेक्ट इसमें कट के दे देंगे।
इसे हिलाना है अच्छे से, अच्छे से हिलाना है ताकि तेल छोड़ना स्टार्ट करे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इसमें पकी हुई दाल हम डाल देंगे। अभी दाल और तड़के को एक साथ मिला लिए हैं और हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, तभी ये तड़का रेडी होगा। अब ये बन गया है इंडियन दाल तड़का, वो भी ढाबा स्टाइल में। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज रेडी टू सर्व एंड इट गोज बेस्ट विद द प्लेन चपाटी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।